खोले स्थित दुर्गा सैनिप्लेक्स में उमेश प्रसाद व पूर्व चेयरमैन व माधुरी देवी चेयरमैन प्रत्याशी के द्वारा द केरला स्टोरी सर्वजन मानस के लिए चार शो में फ्री दिखाया गया, जिसमें प्रथम शो व द्वितीय शो के मुख्य अतिथि माननीय भाजपा व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह लोकसभा सांसद संजय जायसवाल जी ने बताया कि धर्म की बहन बेटियों के साथ हुए अत्याचार पर बने इस मूवी को अवश्य ही सबको देखना चाहिए और यह मूवी नहीं है, सनातन समाज के लिए प्रेरणादायी है। राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने बताया कि जिस प्रदेश में यह फिल्म बनी है वहां के कुंठित मानसिकता की पार्टी की सरकार रही है, जिसका दुष्प्रभाव हमारे सनातन बहन बेटियों को झेलना पड़ा है। वहीं इस फिल्म के प्रोड्यूसर व डायरेक्टर के जिक्र करते हुए बताया कि जिस समाज की बहन बेटियों को अपने आप मान सम्मान के लिए यह मूवी अवश्य देखनी चाहिए। जिला अध्यक्ष अशोक पांडे व मंच संचालन कर रहे पूर्व जिला प्रचार प्रमुख चौबे ने बताया कि यह ईश्वर निर्मित देश है, भारत यहां ईश्वर उपस्थित होकर समाज में हो रहे दुश्मनों को दूर करने का कार्य करते हैं, इसलिए यह मूवी हमारे लिए हर समय प्रेरक है। प्रदेश कार्यकारिणी प्रशांत सराफ ने बताया कि महिला बहन बेटियों को निर्भीक होने की आवश्यकता है। जय जय सियाराम। आज द केरला स्टोरी फिल्म सुगौली में भी चले, ऐसी अच्छी सोच रखने वाले सुगौली नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन, उनकी धर्म पत्नी जो यहां के प्रत्याशी रहे, माधुरी देवी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, आदरणीय अशोक पांडे जी, हम लोग के अभिभावक राम गोपाल सर खंडवा जी, राम बालक जी, विकास शर्मा जी, अमित चौबे जी, रवि पासवान जी, संजय जी, इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे प्रिंस चौबे जी, तमाम नौजवान साथियों, देवी स्वरूपा मेरी बहने, भाइयों, आज द केरला स्टोरी सिनेमा इस भारतवर्ष में क्यों बनाना पड़ा, कौन सी परिस्थिति बनी जो इस सिनेमा को ओडिशा डायरेक्टर को बनाना पड़ा। कभी आपको याद होगा कि जहां का सिनेमा जिस प्रदेश के नाम पे बना है वहां लेफ्ट पार्टियां की सरकार हुआ करती है।